तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ डू यू क्रिएट एन एरे विथ सम डेटा। मतलब यहाँ पे हम लोगों के पास कुछ एरे मतलब डेटा आएगा, उसके हिसाब से हम लोग कैसे एक एरे को क्रिएट कर सकते हैं। वो एक डायनामिक जो वैल्यू है वो भी आ सकता है, नॉर्मल हमारा वैल्यू भी आ सकता है, उसको कैसे हम लोग एक एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेट ए लिख लेता हूँ इक्वल टू और 1 2 यहाँ पे मैंने लिख लेता हूँ। तो ये जो 1 2 है हम इसे मतलब यहाँ पे ये जो दोनों एलिमेंट है यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है, इसके अंदर से मतलब इस जो एरे है इसको लेकर हमें एक नया एरे बनाना है और उसको कितना भी हम लोग चाह सकते हैं, मतलब 5 6 7 जितने भी हम लोग चाहेंगे उतना एरे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लेट बी को लिखता हूँ, नया एक वेरिएबल बनाना होगा लेट बी। उसके बाद ये जो बी है इसको हम लोग एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसके पास कोई क्लास को असाइन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे न्यू। तो क्लास असाइन करने से पहले हमें न्यू कीवर्ड का यूज करना होता है, न्यू एरे। तो एरे एक क्लास है इंग्लिश, तो एरे क्लास के अंदर हमें यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ 3, मतलब 3 बार हमें इसे चाहिए। यहाँ पे 1 2 को यहाँ पे 3 एरे के साथ हमें चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा। उसके बाद यहाँ पे मैं डॉट लगा दूंगा और एक मेथड इसका आता है जिसका नाम है फिल। तो उसको अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको भी आर्गुमेंट चाहिए होगा जो कि होगा ए। तो यहाँ पे ए मैंने दे दिया, ए यहाँ पे डायनामिक वैल्यू भी आ सकता है, तो यहाँ पे मैंने ए पास कर दिया। उसके बाद अगर मैं इसको लॉक करूँ बी के अंदर और कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया, तब आप देख सकते हो 1 2 1 2 1 2 ए यहाँ पे हमारा सब एरे यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे हम लोग 3 एरे यहाँ पे दिए थे, यहाँ पे अगर मैं 2 कर देता हूँ तब यहाँ पे देखना यहाँ पे 2 एरे यहाँ पे आ गया है यहाँ पे वैल्यू के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर।